ब्रह्मा जी के दो द्वारपाल हैं, इंद्र देवता और कुबेर देवता। ब्रह्मा जी के चार पांच पीढ़ी के बाद कुबेर जी हैं, यानी कुबेर भगवान जो हैं वह विशेष रूप से धनाध्यक्ष हैं। और एक चमत्कारिक मंत्र जो कुबेर देवता को प्रसन्न करने वाला है, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वैतेश्वराय नमः। कुबेर देवता जिस पर एक बार प्रसन्न हो गए, उसके घर में धन धान की कमी नहीं रहती। नमस्कार। दीपावली पंच पर्वों का त्योहार है, ये तो हम सब जानते हैं, जिसकी शुरुआत धनतेरस के साथ, यानी जिसको धन त्रयोदशी भी कहते हैं, उसके साथ शुरुआत होती है। मेरा नाम है हर्षवर्धन पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। हमारे साथ इस वक्त आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं, इनसे हम धन त्रयोदशी के बारे में, पूजा के बारे में जानेंगे, विधि भी, और इस पूजा को करके कैसे आप लाभ पा सकते हैं, पूरे साल स्वस्थ रह सकते हैं, इसकी भी जानकारी। आचार्य जी स्वागत है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हर्षवर्धन जी, यह पंच दिवसीय विशेष कह सकते हैं त्योहारों का महाकुंभ है। हम बात करते हैं सबसे पहले यम का दीपक का। यम का दीपक यानी वर्ष में एक बार यम का दीपक जलाया जाता है, ताकि घर में किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु न हो। दक्षिण दिशा में यह दीपक जलाया जाता है, घर के दक्षिण दिशा में, घर के बाहर जलाया जाता है तो 22 अक्टूबर की रात्रि 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच आप अपने घर में एक काला धागे से या काला रुई से एक दीपक बनाएंगे, और दीपक सरसों का तेल का हो या तिल का तेल का हो, और उस दीपक को जला करके अपने घर के बाहर दरवाजे के दक्षिण भाग में अथवा अपने घर के खेत के खलिहान के फार्म हाउस के या अपने घर से 10 घर के आगे दक्षिण दिशा में ले जा करके रख देंगे, और उस दीपक के नीचे चावल रखेंगे, प्रणाम करके बोलेंगे, हे यमदेव, आप सबको पूर्ण आयु दें और मेरे परिवार के सभी सदस्यों को पूर्ण आयु दें, किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु ना हो, ऐसा कह के प्रणाम करें। जल गिरा करके 5 बार प्रणाम करें, ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः। यम देवता की पूजा सिर्फ एक दिन होती है साल में, जिसे हम यम पूजा, यम की देहरी, यम का दीपक कहते हैं, और इसके बाद आगाज हो जाती है विशेष दीपोत्सव की। दूसरे दिन की बात है, धन त्रयोदशी, धनतेरस हो जाता है। धनतेरस में विशेष रूप से खरीदारी होती है, विशेष रूप से धनवंतरी भगवान की पूजा होती है, कुबेर देव की पूजा होती है। और तीसरे दिन की बात है, वह पूजा विशेष रूप से काली चौदस चतुर्दशी की पूजा होती है, और चौथे दिन जो है वह दीपावली अमावस्या की पूजा होती है, और पांचवें दिन जो है अन्नकूट और भाई दूज की पूजा होती है। यह पांच दिवसीय विशेष महापूजा है, महाकुंभ है त्योहारों का। तो हम एक एक करके मुहूर्त की बात करते हैं, फिर हम आएंगे मंत्रों पर और पूजा की विधि पर। बिल्कुल, जब आपने मुहूर्त की बात करी, बहुत लोगों में कंफ्यूजन है कि धनतेरस कब है, 22 तारीख को है, 23 तारीख को है, ये कंफ्यूजन आप दूर करिए कि आखिर में ये जो धन त्रयोदशी त्योहार है मनाया किस दिन जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हर्षवर्धन जी, धन त्रयोदशी जिसे हम धनतेरस कहते हैं, धन का तेरस यानी 13वें दिन धन का आगमन की शुभारंभ कैसे होता है और कब से, देखिए 22 अक्टूबर की शाम 6:02 से धन त्रयोदशी यानी धनतेरस का शुभारंभ है, और 23 अक्टूबर की शाम 6:03 यानी ठीक 24 घंटा 1 मिनट तक धन त्रयोदशी रहेगा। और शुभारंभ जो है धनतेरस का, आप 22 तारीख की शाम से कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा मुहूर्त जो है खरीदारी का 23 अक्टूबर का प्रातः काल 9 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में है। पूजा जो है आप दोपहर में भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि रात्रि का पूजा धनतेरस का करें तो 22 की रात्रि करें, और अगर खरीदारी की बात करें तो प्रातः काल सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे के बीच त्रयोदशी का करें। तो मैं एक कमाल का टोटका भी बताने जा रहा हूं, धनतेरस पर कमाल के टोटके। धनतेरस पर दो ऐसे कमाल के टोटके हैं जो आपके जीवन को बदल देंगे। अलक्ष्मी यानी लक्ष्मी माता
जहां नहीं हो, यानी दरिद्रता हो, उसका नाश कैसे हो? दरिद्रता का नाश सफाई से होता है, शुद्धता से होता है, सात्विकता से होता है। और जो विधि है वह झाड़ू से है। आप एक झाड़ू आपके जीवन को बदल देगा, एक वर्ष आपको धन का प्राप्ति कराएगा। आप बाजार से प्रातः काल 23 अक्टूबर 2022 को सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे के बीच दो झाड़ू खरीद कर लाएं, एक झाड़ू अपने घर में उपयोग के लिए, घर का उपयोग के लिए, एक मंदिर का उपयोग के लिए रखें, और उस झाड़ू का पूजन करके फिर झाड़ू से साफ सफाई करें। विश्वास मानिए, पूरे वर्ष आपके घर में महालक्ष्मी माता का आगमन रहेगा। और दूसरा, मैंने दूसरा टोटका बताया, 1 किलो नमक खरीद करके लाएं, नमक ला करके उस नमक से घर में पोछा लगाएं, निश्चित तौर पर महालक्ष्मी का वास होगा। और धन त्रयोदशी में किसकी पूजा, प्रश्न बहुत। बिल्कुल, ये वाली बात जो कही आपने, तो टोटके तो आपको समझ में आ गए कि क्या दो टोटके करने हैं आपको धन त्रयोदशी के दिन, जिससे आपके घर में धन का आगमन हो। अब बड़ी बात यह है जो आपने, आचार्य जी आपने जो बात कही, धन त्रयोदशी वाले दिन पूजा किसकी होती है, धनतेरस आखिर है क्या, पूजा धनवंतरी जी की पूजा होती है, क्या है पूरा? देखिए हर्षवर्धन जी, भगवान धनवंतरी जिसे हम देवताओं के डॉक्टर आयुर्वेदाचार्य कहते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर कहते हैं, भगवान धनवंतरी जिनका जो उत्पत्ति हुई है समुद्र से हुई है, समुद्र से अमृत का कलश लेकर के आए थे। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी निकले थे अमृत कलश लेकर के, और वही अमृत कलश को देवताओं ने पा करके पी करके जो है अमर हो गए थे। और धन्वंतरी भगवान के बाद विष का प्याला भी निकला था, जिसे भगवान शिव ने पी करके और जगदीश बन गए, जगत के ईश्वर बन गए, नीलकंठ बन गए। भगवान धन्वंतरी काया की प्राप्ति के लिए, निरोगी काया, जीवन में माया ही सिर्फ नहीं, निरोगी काया की भी जरूरत है। वर्ष में एक दिन धन तेरस के दिन, यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की धन त्रयोदशी के दिन निरोगी काया के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। और भगवान धन्वंतरी का ओम धाम धन्वंतरीय नमः यह विशेष महामंत्र का जप करके भगवान को पंचोपचार और षोडशोपचार विधि से पूजा किया जाता है। जब आपकी काया सही हो जाती है, इसके साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का भी जप होता है, ओम ह्रौंग जुंग शा शॉर्ट मंत्र है, और पूर्ण मंत्र है ओम ह्रौंग जुंग शा त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र का भी जप करते हैं, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, भगवान धन्वंतरी की भी कृपा की प्राप्ति होती है। भगवान धन्वंतरी के पूजन के बाद हम शुभारंभ करते हैं भगवान कुबेर की पूजा। आप देखिए कुबेर भगवान बैठे, बिल्कुल सुंदर लग रहे हैं, दिव्य लग रहे हैं कुबेर भगवान। अष्ट धातु निर्मित कुबेर देवता हैं, और कुबेर देवता की पूजा की महिमा आप दर्शन कीजिए कुबेर भगवान का। अष्ट धातु निर्मित, देखिए बहुत सारे कुबेर भगवान हैं, और मैं आचार्य शैलेश तिवारी पूरे विश्व में कह सकते हैं 40-45 देशों में हर धर्म के लोगों के लिए कुबेर भगवान का साधना सिद्ध करके मैंने कुबेर भगवान को दिया है। कुबेर भगवान धन का कुबेर कहे जाते हैं, धन का राजा कहे जाते हैं, धन के देवता कहे जाते हैं, देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर कहे जाते हैं। कुबेर देवता की अलकापुरी इन्होंने नगरी बसाई थी। कहा जाता है कि कुबेर भगवान ने ही लंका नगरी को सोने का बनाया था, और बाद में रावण ने उनसे छीन लिया था, क्योंकि रावण उनका अपना भाई था, रावण उनका सौतेला भाई था। और भगवान कुबेर कौन है, यक्ष है, यक्षराज हैं, देवताओं के गण हैं, और ब्रह्मा जी के विशेष रूप से द्वारपाल हैं। ब्रह्मा जी के दो द्वारपाल हैं, इंद्र देवता और कुबेर देवता। द्वारपाल को आप जानते ही हैं, द्वारपाल क्या होते हैं, मतलब द्वारपाल के बिना आप अंदर नहीं आ सकते। तो कुबेर देवता जो हैं किसके पुत्र हैं, विशेषरवा ऋषि के पुत्र हैं, पुलस्त के नाती हैं। और इनके पूर्वज कौन है, इनके परपौत्र किसके हैं, ब्रह्मा जी के परपौत्र हैं। यानी हम 4-5 पीढ़ी के बाद देखते हैं कि ब्रह्मा जी के 4-5 पीढ़ी के बाद कुबेर जी हैं। यानी कुबेर भगवान जो हैं वह विशेष रूप से धनाध्यक्ष हैं। ओम कुबेराय नमः, ओम वितेश्वराय नमः। और एक चमत्कारिक मंत्र जो कुबेर देवता को प्रसन्न करने वाला है, ओम ह्रीम
ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वैटेश्वराय नमः। यह महामंत्र है, कुबेर देवता को बहुत प्रिय है। यह वैदिक महामंत्र है। इसके मंत्र के जप से कुबेर भगवान प्रसन्न होते हैं। ओम कुबेराय नमः, वैटेश्वराय नमः, धन प्रदान नमः। तीन मंत्र का विशेष सम्मिश्रण करें। ओम कुबेराय नमः, वैटेश्वराय नमः, धन प्रदान नमः। इस महामंत्र से भी भगवान कुबेर देव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कुबेर देवता जिस पर एक बार प्रसन्न हो गए, उसके घर में धन धान की कमी नहीं रहती। और कुबेर देवता ने ही पुष्पक विमान को प्राप्त किया था, जिसे बाद में रावण ने छीन लिया था। कुबेर देवता का ही पुष्पक विमान था। तो कुबेर देवता की पूजा करनी चाहिए। कुबेर देवता जिसके घर में है वह साक्षात कुबेर हो जाता है। और कुबेर देवता जिन पर प्रसन्न हो गए, उनको धन की कमी नहीं रहती। धन से खरीदने वाला हर चीज को खरीद सकता है, पूर्ण स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकता। इसलिए धनवंतरी धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करें। भगवान धनवंतरी और कुबेर भगवान की जो पूजा करेगा, उसे स्वस्थ काया और स्वस्थ माया दोनों साथ साथ रहेंगे। इसलिए धनतेरस बहुत महत्वपूर्ण है। धनतेरस का प्रातः काल भी आप पूजन कर सकते हैं। धनतेरस की 22 अक्टूबर की रात्रि में भी, मध्य रात्रि में भी पूजन कर सकते हैं। पूरी रात्रि मुहूर्त है। खरीदारी का मुहूर्त 23 को है, पूजन का मुहूर्त 22 और 23 दोनों को है। जी बिल्कुल। तो अभी आपने, आचार्य जी ने आपको बताया कि अगर धन चाहिए तो धन कुबेर जी की पूजा करिए, उनकी स्थापना करिए। और मुझे जहां तक लगता है सब कुछ आपने बता ही दिया आचार्य जी, कि मुहूर्त क्या है। अब धनतेरस को लेके जो आपके मन में कंफ्यूजन था वो भी क्लियर हो गया होगा बहुत हद तक। मंत्र बता दिए, शुभ मुहूर्त बता दी, समान खरीदारी का समय आपको बता दिया। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए आप इंडिया टीवी देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।